खरगोन शहर के जिला अस्पताल में प्रसव के चौथे दिन आईसीयू में भर्ती किए गए नवजात की मौत मामले में परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसकी जनसुनवाई में भी शिकायत की गई। परिजनों के मुताबिक जन्म के समय बच्चा स्वस्थ था, फिर भी उसे आईसीयू में रखा गया, जबकि चिकित्सक का कहना है बच्चे को सांस लेने में परेशानी थी। कलेक्ट्रेट पहुंची प्रसूता रोशनी पति सैफ अली ने बताया 28 मार्च को उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का वजन 3 किलो 750 ग्राम वजन था। वजन के कुछ देर बाद चिकित्सक राजेश सहदे और डॉक्टर भानु प्रिया ने चेकअप किया और कह दिया कि 1-2 घंटे के लिए बच्चे को आईसीयू में रखना होगा। इसके बाद 4 दिन तक बच्चे को न तो दूध पिलाने दिया न ही मिलने दिया। 4 दिन बाद कह दिया बच्चे की हालत बिगड़ रही है, इंदौर ले जाओ। इंदौर ले जाने पर बच्चे की मौत हो गई। उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही के साथ ही 3 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। वहीं चिकित्सक सईदे ने बताया बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसी कारण आईसीयू में रखा गया। सांस की दिक्कत के चलते दूध भी नहीं दिया गया। 1 दिन बाद हालत में सुधार होने पर थोड़ा दूध दिया गया था। इस बीच महिला के परिजनों को अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं होने से इंदौर ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह भी नहीं ले गए, हमारी ओर से उचित उपचार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बच्चा 1 घंटे के लिए ले गए थे और 1 घंटे के बाद और 1 घंटे आना फिर आना फिर आना ऐसे 3 दिन तक मुझे आश्वासन देते रहा। फिर मैं गई लेने, फिर बच्चा दूध पिला दिया आपको दूध पिलाया। सुबह गई मैं तो मैडम ने बोला उसको दूध नहीं देना है, वो डॉक्टर उनकी उसमें कुछ भी दे सकते हैं, मैं नहीं मेरे उसमें दे सकती, मेरी ड्यूटी आपका बच्चा ले जाओ रेफर, आपका बच्चा ज़्यादा सीरियस है। क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चा तो हो गया ऐसा, लेकिन और भी गरीब बच्चे आईसीयू में भरोसे जाते हैं तो आईसीयू में उनको ऑक्सीजन लेने मतलब लापरवाही करते हैं आज। हाँ, लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइवेट में कुछ हुआ, यहाँ से इंसान जाएगा तो प्राइवेट कमरे पर तो आएगा ही आएगा, वो तो ये चाहते हैं, वो कोई ड्यूटी नहीं कर रहे डॉक्टर लोग। क्या नाम है आपका? रजिया। मार्च को मेरी डिलीवरी हुई थी जिला चिकित्सालय, स्वस्थ बच्चा मेरा 4.25 किलो का हुआ था वहाँ पे, स्वस्थ बस 1 घंटे के लिए रखा था वहाँ पे और भी बोला था कि 1 घंटे बाद वापस दे देंगे उसे। फिर उन्होंने 4 दिन तक मुझे ना देखने दिया ना मिलने दिया ना दूध पिलाने दिया मुझे, और ऑक्सीजन भी उसको वहाँ नकली मिला, और मतलब ऐसी दूध भी उसको मिले ही नहीं वहाँ पे। बस 4 दिन तक मेरे को ये कहते रही है कि इसको वो सांस लेने में उसको तकलीफ है, बस सांस लेने में तकलीफ है 4 दिन तक, ये चीज़ कहते रही। उनने सांस भी खुद से ली और सांस लेते लेते उसके ओष्ठ भरा गया, क्या मतलब? और रेफर करा यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ से इंदौर रेफर कर दिया कि सीरियस हालत में MTH में रेफर कर दिया। 4 दिन तक वहाँ पे भर्ती है। क्या क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो आगे किसी और के साथ नहीं। कौन डॉक्टर कौन था? राजेश मैडम, भानु प्रिया ऐसा कुछ। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहा उन्होंने? जांच का बोला बस। क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ रहते हो आप? मैं धार रहती हूँ, मेरी मम्मी के वहाँ आई हूँ, मायके में आई हूँ, मैं डिलीवरी करवाने के लिए आई थी। की मौत हो गई है, इलाज सही नहीं हुआ, लापरवाही का आरोप लग गया है। ये हमारे यहाँ SNCM में एडमिट हुआ था, ये रोशनी सैफ अली नाम का बच्चा है, इसका बच्चा होते के साथ रोया था पर बहुत अच्छे से नहीं रो पाया था, ये उसको थोड़ी सांस में तकलीफ थी और वजन अच्छा था, इन्हें हमने ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया था, उसको 24 से 48 घंटे तक थोड़ा दूध नहीं पिलाया था जब तक सांस में तकलीफ थी, उसके बाद थोड़ा हल्का सा इम्प्रूवमेंट आया था, फिर हमने उसको नली से थोड़ा दूध भी पिलाया था, फिर भी उसको सांस में तकलीफ थी, तो उसके अटेंडर को बोला था कि कुछ चीज़ें रहती हैं जो अपन जिला लेवल पे नहीं कर सकते, फिर भी जितना हो सकता है बेहतर हमने उसको इलाज दिया है और कोशिश भी करी थी जो भी दवाइयाँ वगैरह लगाना था, और वो 1 दिन थोड़ा ठीक भी रहा, उसके बाद फिर वापस उसको सांस में तकलीफ बढ़ती गई और थोड़ा इन्फेक्शन लगने लगा, पेट से हल्का सा ब्लड जैसा पानी भी आने लगा था, जो थोड़ा उसका पेट का हाथों का इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, अल्टर बोलते हैं अपन, उसके बाद फिर अटेंडर को बुलाया भी था, मेल अटेंडर कुछ आए भी थे कि कुछ चीज़ों में अब यहाँ खरगोन में नहीं हो सकता है संभव, तो अपन इंदौर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसको रेफर का बोला भी था हमने, पर अटेंडर फिर बोल रहे थे कि नहीं हम 1 दिन और देख चेक करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा रहा तो हम ले जाएंगे, उसके बाद फिर हाँ और इम्प्रूवमेंट हो रहा था, फिर उसके बाद वापस इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ पाया, हमने उसको बार बार बुला के समझाया था कि भाई यहाँ पर कुछ अच्छी इंजेक्शन वगैरह बॉटल वगैरह रहते कुछ चीज़ अपने यहाँ नहीं हो पाएगी इतनी, तो इंदौर ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा, पर अटेंड थोड़ा डिनाई करते हैं। सर उनका आरोप ये भी है
कि हमने बोला उनको इंदौर रेफर कर दो, हम इंदौर ले आते हैं। हाँ। बाकी बोले नहीं यहीं हो जाएगा, ऐसा भी आरोप लगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमने बोला कि उनको खरगोन में नहीं होगा तो उसको इंदौर बड़े अस्पताल लेके जाओ, तो उन्होंने बोला था कि अभी नहीं, हम देखते शाम तक। वो शाम तक रुकने का बोला था, उसके बाद फिर वो आए नहीं थे। और जैसे हम तो बोलते ही हैं कि नहीं यहाँ पे होगा तो जाएं, जैसे हर बच्चे को तो रेफर नहीं करते, जो कि हमारे यहाँ डेली 10-15 डिस्चार्ज भी होते हैं, कोई बच्चा सीरियस होता कुछ नहीं ले जा पाते, तो उसको सांस में तकलीफ बढ़ने लगी थी, तो हमने बोला गया था, पर अटेंडर के द्वारा डिनाई कर दिया गया था। बोले हम अभी नहीं ले जाते। फिर बाद में वो ले भी गए थे, फिर वहाँ पे इंदौर ले जाने के बाद उनके बच्चे की हालत और ज़्यादा खराब हुई, फिर वहाँ पे उनके लिए। क्या नाम सर आपको? मैं डॉक्टर राजेश सिंधी, PGMO हूँ SNCU में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।